ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर में जम्मू के पुलवामा से चोरी छिपे ट्रक में आ रहे एक प्रवासी मजदूर की तबीयत खराब हुई और मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल जम्मू के पुलवामा से एक ट्रक में छिपकर 25 प्रवासी मजदूरों ने सहारनपुर में प्रवेश किया। ट्रक पहले दिन जम्मू कोई सामान लेकर गया था, जहां से ट्रक चालक ने इन मजदूरों को त्रिपाल के नीचे छिपाकर सहारनपुर जनपद में लाने का काम किया, लेकिन रास्ते में ही एक मजदूर 27 वर्षीय रिहान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। रिहान को उल्टियां हुई और तेज बुखार हुआ, उसके बाद सहारनपुर आते आते उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि ये सभी मजदूरों को चोरी छिपे लाया गया था। इस संबंध में ट्रक चालक और ट्रक मालिक से पूछताछ की जा रही है। 27 वर्षीय हम, जो कि सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के मोहल्ला हिसामुद्दीन का रहने वाला था, उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हुई है। उसमें जो लक्षण दिखाई दिए वह कोरोना संक्रमण के थे। जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत पूरे प्रोटोकॉल के साथ मृतक रिहान के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम किया गया और उसका विसरा प्रिजर्व कर लिया गया। साथ ही उसके साथ आए 17 प्रवासियों अभी तक क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं से साथ की तलाश की जा रही है, ताकि पता लग सके इन आए 7 मजदूर अभी कहां पर है। ये सभी मजदूर त्रिपाल के नीचे छिपकर जम्मू के पुलवामा से ट्रक में आए हैं। इसके साथ ही ट्रक चालक और मालिक के साथ सभी पर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। वही जो प्रवासी मजदूर लापता है उन्हें तलाशा जा रहा है। देखिए, ये रेहान नाम का व्यक्ति है जो सराय साबुद्दीन क्षेत्र का रहने वाला है। कल शाम को जानकारी हुई कि एक ट्रक में बैठ करके ये अन्य 23 लोगों के साथ में जम्मू कश्मीर से छिप करके एक ट्रक में आ रहा था। ये ट्रक यहाँ से कुछ सामान पहुँचाने के लिए जम्मू कश्मीर गया था 15 या 16 तारीख को। वहाँ से वापसी में पुलवामा के ये 24 व्यक्ति जो है इस ट्रक में बैठे। बाद में जानकारी हुई कि इसमें से एक व्यक्ति की तबीयत कुछ ख़राब हुई, उसको कुछ उल्टियाँ हुई, कुछ बुखार भी था और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। जब ये जानकारी पुलिस को मिली है तो पुलिस ने इस ट्रक को कॉर्डन ऑफ किया है और इन सभी 24 व्यक्तियों के बारे में जानकारी करी गई और इन सभी को जो है क्वारंटाइन किया गया, ये मानते हुए कि ये व्यक्ति संदिग्ध कोरोना का जो है केस हो सकता है। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ में। पोस्टमार्टम के बाद में जो रिपोर्ट आई है उससे जानकारी हुई है कि इसकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है और केमिकल एनालिसिस के लिए इसका विसरा प्रिजर्व किया गया है, जो कि जाँच के लिए भेजा जा रहा है। इस व्यक्ति का कोविड सैंपल भी लिया गया है और उसके बाद में इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो है करा दिया गया उसके परिवार वालों को सुपुर्द करके। जो 17 व्यक्ति क्वारंटाइन हुए, इनके अतिरिक्त 7 और व्यक्तियों की जानकारी आ रही है कि इस ट्रक में छुप करके आ रहे थे, उनको भी स्थानीय स्तर पर उनको खोजा जा रहा है। जल्दी से जल्दी हम उन व्यक्तियों को भी लेकर के उनको बुलवा करके और उनको क्वारंटाइन कराएंगे। इसमें लोगों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है, धारा 188, धारा 3 महामारी अधिनियम और 269-71, इस तरह की धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना से सत्य का पता चलेगा। इसमें और कोई कार्रवाई जब होगी तो आपको फिर जानकारी कराएंगे।